हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल चिकन की स्नैक्स यानी चिकन शमी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि थोड़ी सी मेहनत से बनते हैं बट बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनते हैं। तो देख लेते हैं क्या चाहिए हमें इसके लिए। इसके लिए हमें चाहिए चिकन पीसेस, बोनलेस, चने की दाल, इसको मैंने डिप करके रखा था होल नाइट, पूरी रात इसको डिप करके रखा था, थोड़े से ये खड़े मसाले, होल रेड चिलीज, ये लाल मिर्च, गार्लिक थोड़ा सा। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन में हम सभी चीजें डाल देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, एक ये वाला बाउल मैंने चिकन का लिया है और बिल्कुल हाफ कटोरी मैंने ये डिप करी थी दाल की, चिकन पीसेस भी इसके बीच में डाल देंगे। खड़े मसालों में ये छोटी सी स्टिक दालचीनी की, थोड़ी सी काले मिर्च और थोड़े से ये लौंग डाल देंगे इसमें, लाल मिर्च भी डाल देंगे और ये लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी, और आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक का, हाफ टी स्पून सॉल्ट का ऐड कर दिया। अब इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाना है ढककर। एक बॉयल आने पर इसको हम ढक के रख देंगे और चिकन और दाल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो ढक देते हैं हम इसे और 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स, अभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुई है दाल, तो अभी 5 मिनट के लिए इसको फिर से ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, चिकन भी और दाल भी ऐसी ही हमें चाहिए। बस हम इसका सारा पानी जो है वो सुखा लेंगे। इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून इसमें मैंने ऑयल का डाला। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये जो हमने दालचीनी की स्टिक डाली थी वो मैं निकाल दूंगी। हो चुका है ये रोस्ट, अब फ्लेम को ऑफ करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
थोड़ा ठंडा हो जाइए। ठंडा हो चुका है ये। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसको थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल हमें पेस्ट नहीं बनाना इसका। सब चीजें इस तरह से मिक्सी ग्राइंडर में डालकर साथ ही हम इसमें हाफ लेमन जूस भी ऐड करेंगे। हाफ लेमन जूस, एक यहां पर एग भी हम ऐड करेंगे इसमें। ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/4 धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला, थोड़ा नमक हमने पहले भी डाला था, थोड़ा सा अभी डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च। बस इसको हम ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से थोड़ा मोटा दरदरा रखना है इसे, मिक्सी में ग्राइंड ज्यादा नहीं करना। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस टाइम पे हम नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लग रहा है तो थोड़ा हम और डाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा फ्रेश धनिया डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। टीस्पून इसमें मेल्टेड बटर या फिर हम देसी घी का डाल देंगे और अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। बस अब इस तरह से हम इसके कबाब्स बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेकर इनको शेप देके रख देंगे। फ्रेंड्स, इनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह से शेप देके एक प्लास्टिक पेपर इसके ऊपर लगाकर दूसरे कबाब्स रख देंगे और हम इसको फ्रीजर में कुछ दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसी तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे, फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। कबाब्स बनाकर रेडी कर लिए मैंने, इधर ऑयल भी प्री हीट कर लिया। तो अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे।
फ्रेंड्स बहुत ही यमी बनते हैं ये। देख सकते हैं आप गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको नैपकिन वाली प्लेट में निकाल लेंगे और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूं। लीजिए चिकन शामी कबाब बनकर रेडी हैं। इन्हें हम पार्टी स्नैक्स, कॉकटेल स्नैक्स या फिर इवनिंग टी टाइम सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से शमी कबाब बनाना और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये स्नैक्स कैसे लगे। फ्रेंड्स पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।